बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूबर। आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को क्या सिखाने वाले हो, एक बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग के लिए मॉडर्न टाइप लोगो डिज़ाइन लेके आया हूँ। और आज बहुत ही अलग डिज़ाइन लेके आया हूँ और बहुत मज़ा आने वाला इस लोगों को लेकर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस लोगों को लेकर। और मेरे माइंड में आया, सोचा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, आप लोग को ज़रूर ये भी टाइप लोगो, मॉडर्न टाइप लोगो डिज़ाइन भी सिखाना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, आपके जो फेवरेट कलर, आप उसको पहले ग्रे कलर, उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कलर जो है वो मैंने फेवरेट किया है, तो अगर आप इसको बाद में चेंज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड के साथ आप लोग एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि टाइप लोगो, मॉडर्न टाइप लोगो डिज़ाइन को कैसे करेंगे। और हाँ, अगर आप इसको 3D भी बोलेंगे तो याद चलेगा, यह 3D भी बन जाएगा, ठीक है। 3D भी लोगो है, आप में 2 है, मतलब आप इसको मॉडर्न टाइप लोगो भी बोल सकते हैं, आप इसको 3D लोगो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, आप कर वीडियो को एंजॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो को लास्ट में। तो गाइस, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत खूबसूरत लोगों होने वाला है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना, ओके, दैट्स गुड। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप मॉडर्न टाइप लोगों को हम क्या करते हैं, किस तरह प्रोसेस है, वो आप लोगों को सारा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी मैं आज कोई भी वर्ड इसमें आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ए से लेकर जी तक कोई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो आज करने वाला हूँ सी को, ठीक है। तो अगर आप की कोई और मतलब डिमांड होगी या आपकी रिक्वेस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों को टाइप करके दिखा दूंगा, ठीक है, ओके। तो गाइस, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मैं सी को जो है वो प्रेस कर लूंगा कैपिटल, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा और यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट इसमें चेंज लगा के तो उसको जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं, देखते हैं कि इसमें हम कौन सा लगाएं, तो यहाँ पे बहुत सारे, तो चले यही वाला कर लेते हैं, सिंपल ही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना गाइस, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना, ताकि आप लोग को यार सारी समझ आ सके। और मुझे तब मज़ा आता है जब आप लोग कुछ ना कुछ सीखते हो ना, तो फिर बहुत मज़ा आता है और इंसान और जो है वो हैप्पी फील करता है कि यार आपने कुछ ना कुछ सीखा है। और आप यार ये नहीं कि सिर्फ जस्ट आप सीखो, उसको खुद भी ट्राई किया करो, ठीक है। तो इस लोगों को लेके कोई भी आपको टेंशन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, गो टू ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद अब इसका ऑफ कलर, कलर बीच वाला ऑफ कर देंगे और आउटलाइन का रहने देंगे, ओके, डेट्स गुड। अब हमने क्या करना है गाइस, यहाँ पे चले मैं इसको इधर ही बड़ा कर लेता हूँ, ओके। अब हमें क्या करना है, ये सारा नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमने इसको सीजर टूल की मदद से इसको जो है वो हमने कट करना है, ठीक है, ठीक है। जिस तरह मैं कट करूँगा इसी तरह आपने भी कट इसको कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कट लगाऊंगा और इसको रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे एक कट लगाऊंगा, इसको रिमूव कर दूंगा, ओके, डेट्स गुड। अब आप इसको या तो अनग्रुप करके, ये बीच वाली जो जो यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है हमें बीच वाली, इसको आपने रिमूव कर देना। अगर नहीं होता तो आपने शेप टूल को लेना। मैं जो आप लोगों को सबसे इजी मेथड बताता हूँ, ठीक है, मैं नहीं आपको ये कि किसी पंगे में डाल दो कि यार ये करो वो करो, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, कोई भी मतलब आपने फ़ॉन्ट लेना, उसको आपने क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल कर लेता हूँ। अब इसका तो इतना काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला मेरे पास जो कलर है, इसको सबसे पहले मैं एक गोल कर्सल को क्रिएट करूँगा और ये कलर भी इसमें फिल कर लेना, ठीक है। करने के बाद इसको मैं करूँगा यहाँ पर डुप्लीकेट, ठीक है, यहाँ पर। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके इनको सबसे पहले तो अलाइनमेंट कर दीजिएगा, ओके। ये सारा प्रोसेस आपने समझना, कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी, कि वीडियो को आगे लेके जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए कि आप हर चीज़ को समझें, ठीक है। अब हमने ये क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने में गो टू ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेंड। ब्लेंड मोड में जाके आपने यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस विंडो में आपने इसको ओपन कर लेना, सेकेंड वाला आपने सेटअप वाला क्लिक कर लेना। करने के बाद यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना और यहाँ पे आपने इसके आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है इसमें, तो यहाँ पे आपने वैल्यू को जहाँ आप लोगों को लगेगा परफेक्ट है तो आप उसको कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 1000 जो है ना वो क्रिएट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं करूँगा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला, मैजिक क्या है। इसको दोबारा मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और ब्लेंड में जाऊँगा, और ब्लेंड में जाने पर जस्ट मेक पे क्लिक कर दूँगा। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। इसको आपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट कमांड जो है वो बन जाएगी। जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ आपके पास क्रिएट होकर सामने आ जाएगी, ओके। यही चीज हमें चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों ने यहां पे बात को समझ लिया कि मैंने क्या किया यार, इसको मैं ना पहले तो डुप्लीकेट चले रहने देता हूं, डुप्लीकेट नहीं करता, कोई जरूरत भी नहीं है।
अब मैं गाइस यहाँ पे आप लोगों ना यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इनको यहाँ पे अलाइनमेंट करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। अब इनको अलाइनमेंट करके अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इनको सबसे पहले तो मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके गो टू ऑब्जेक्ट, इसको ब्लेंड मोड में जाऊंगा और यहां पे रिप्लेस आपने कर देना है, जस्ट रिप्लेस। जैसे ही करेंगे तो ये आपके पास सामने चीज क्रिएट होकर सामने आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये सिंपल लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसमें जैसे ही मैंने कलर फिल किया तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बट इसको गाइस क्या करना है कि इसको और भी मजीद हमें जो है वो खूबसूरत बनाना, ताकि पता लगे कि मॉडर्न टाइप लोगो डिजाइन वाकई यार ये मॉडर्न टाइप लोगो डिजाइन है, ठीक है। अब हमने क्या करना गाइस, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में चले जाना, इफेक्ट में जाकर डिस्टोरेंट में चले जाना और यहां पे आपको मिल जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाले पे आपने क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब गाइस आप लोगों ने बात को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाऊँगा तो मेरा लोगो जो है वो मॉडर्न टाइप लोगो डिज़ाइन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो अब हम देख सकते हैं, क्योंकि ये मैं आप लोग को बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जितने मैं पॉइंट रखूँ उतने ही पॉइंट आप भी टाइप करें तो आपका आपकी वो चीज़ ना क्रिएट हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप लोग के फ़ॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना आपको परफेक्ट लगे कि जो आप फ़ॉन्ट जो यूज़ करेंगे उसी के मुताबिक आपने करना, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इस विंडो को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। जैसे ही मैं आगे लेके जाता हूं तो एक चीज़ हमें क्रिएट करके सामने आ जाती है। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पे ये 3D मॉडर्न टाइप लोगो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत यार ये 3D टाइप और मॉडर्न टाइप का लोगो डिज़ाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। सी को हमने क्या किया है, सिंपल सा हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया, उसमें ये कलर फिल किया और फिल करने के बाद हमने ये इसको थोड़ा सा ये वाला स्टाइल दिया, ओके। ये मेरे यहाँ पर डन हो गया। जस्ट मैं यहाँ पर मैंने 47 मेरा है 47% परसेंटेज रखी है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपका फ़ॉन्ट कौन सा लगा हो, और जैसे जैसे आप इसको आगे लेके जाएंगे जहां आपको लगे कि परफेक्ट है वहां पे आपने इसको डन कर देना, ओके। तो यहां पे मैं ओके कर देता हूं। तो गाइस अभी आप लोग खुद देख सकते हैं कि मेरा यहां पे और यहाँ पे क्या चीज़ क्रिएट होगी। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मेरा यहाँ पे लोगो जो है बिल्कुल फाइनल क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको ज़्यादा मज़ीद खूब कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरा बिल्कुल जो है वो परफेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब बैकग्राउंड के ऊपर या आप ब्लैक कर लें या आप कोई कोई भी ग्रेडियंट कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड पर। अगर आप बैकग्राउंड पर यूज़ करेंगे ग्रेडियंट कलर तो ये और भी जो है वो खूबसूरत हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ब्लैक किया तो ये कितना खूबसूरत यहाँ पे बन के सामने आ गया। तो अब यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम वगैरह जो है वो टैग लाइन, यार उर्दू आ गई है कोई बात नहीं, इसको चेंज कर दिया, टैग लाइन है यार, इसका कलर चेंज कर लीजिएगा और इसको नीचे ले आएगा, ओके दैट्स गुड। तो ये मैंने क्या किया कि सिंपल सा मैंने सी को मैंने फ़ोन लिया और उसको मैंने क्रिएट कर दिया। तो क्या जस्ट आप अपने माइंड से इसको क्रिएट कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका भी ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लोगो जो है वो क्रिएट होगा। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैंने आप लोगों को ये जो टाइप मॉडर्न टाइप लोगो जो है वो भी आप लोग को सिखा दिया, ठीक है। जो जो माइंड में आता है वो आप लोगों के साथ ज़रूर जो है वो शेयर करता हूँ। तो गाइस आपने ज़रूर जो है वो आप लोगों ने इस पर ट्राई करना है कि आपसे कैसा जो है वो क्रिएट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार जो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। रुको, आप ही से बात करो, इतने प्यार से वीडियो को पूरा आपने वॉच किया और तो अब एक लाइक भी बनता है और कमेंट भी बनता है। और यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन नजर आ रहा है, उसको आपने जस्ट क्लिक कर देना और सब्सक्राइब किए बगैर आपने आगे नहीं जाना, ठीक है। तो जिन्होंने किया हुआ उनका थैंक यू सो मच कि यार उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों के प्यार से, आप लोग के जो है ना सपोर्ट से मैं इंशाल्लाह जो है आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो गाइस खुश रहें, दूसरे को भी खुश रखें और दुआओं में याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।